पंडित जी तपेश्वरी देवी का क्या इतिहास है? ये माता सीता से रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, वो आके मिथुन में रुके थे। मिथुन में रुकने के बाद में माता सीता यहाँ तप करने आती थी, उनके तप से माता जी प्रकट हुई थी। पंडित जी ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ लवकुश का मुंडन जैसे बच्चे का होता है, यहाँ देखा जाता है अक्सर बच्चे प्रकट हुई थी, इसीलिए ये क्षेत्र तपोभूमि कहा जाता है। वही मुंडन छेदन वाली जो बातचीत, तो ये मुंडन छेदन लवकुश का हुआ है। आपने देखा ना, हमने देखा जी, परंपरा जो चली आ रही थी इधर पीढ़ी वही चल रही है। तो लवकुश के मुंडन संस्कार का मतलब यहाँ होते हैं, तो लवकुश का मुंडन यहाँ हुआ, छेदन खट छेदन मुंडन हुआ। कल से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है, 9 दिन तक का पूरा ये रामनवमी का पर्व है, तो क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से हैं और क्या मंदिर का कैसे आप विकल्प, जो श्रद्धालु आएंगे भक्त आएंगे दर्शन के लिए? श्रद्धालु आएंगे तो लेडीज की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग, बैरिकेडिंग हो चुकी है, सफाई मजाई सब कुछ हो चुकी जो भी है होना था, और कैमरे लग चुके हैं। लाइन से आइए, लाइन से जाइए, दर्शन करने की व्यवस्था सब पूरी हो चुकी है, लाइट की फिनिशिंग की जो भी व्यवस्था हो गई, प्रशासन को सूचना दे चुके, प्रशासन आगे सब चेक कर गया है। कल सवेरे से पुलिस विभाग में महिला पुलिस होमगार्ड होमगार्ड महिला सभी की कल से ड्यूटी लग जाएगी। कल ये पट कितने बजे से श्रद्धालु? 4 बजे से सुबह।